आजकल गदर टू का तूफान चल रहा है और उसी तूफान के कारण मेरे घर की दीवार गिर गई और उसी दीवार के काम में मैं लगा हुआ था। सॉरी मजाक है यार। अरे ना मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। लेकिन वाकई में गदर टू का तूफान चल रहा है और गदर टू फिल्म ने 10 दिनों के अंदर जो कलेक्शन किया है ना वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि गदर टू फिल्म जिसे बॉलीवुड से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और जो लोग गदर टू फिल्म के खिलाफ थे उनका कहना था कि गदर टू फिल्म के अंदर कोई भी स्टोरी नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है और अब सनी देओल का टाइम भी चला गया है। लेकिन जब गदर टू फिल्म रिलीज हुई और गदर टू फिल्म के ताबड़तोड़ कलेक्शन को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गदर टू ने अपने फर्स्ट डे में 40 करोड़ का कलेक्शन किया था और धीरे धीरे करके ये नंबर आगे बढ़ता ही चला गया और गदर टू फिल्म ने अपने दूसरे दिन में 43 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और फिर तीसरे दिन में गदर टू फिल्म ने 51 करोड़ और अपने चौथे दिन में गदर टू फिल्म ने 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और गदर टू फिल्म ने अपने पांचवें दिन यानी 15 अगस्त को 55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ये क्या बात करता है यार, मतलब गदर टू फिल्म ने अपने 24 घंटों में 55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और ये कलेक्शन का नंबर वाकई में ही बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कई फिल्मों का तो ये 2 हफ्तों का कलेक्शन होता है लेकिन गदर टू फिल्म ने इस कलेक्शन को 24 घंटों के अंदर ही अचीव कर लिया है और गदर टू फिल्म ने अपने 6वें दिन में 32 करोड़ और 7वें दिन में 23 करोड़ का कलेक्शन किया और इन्हीं सभी कलेक्शन को जोड़कर गदर टू फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में 284.63 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इसी तरह गदर टू फिल्म ने अपने 8वें दिन में 20 करोड़ और 9वें दिन में 31 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और फिर गदर टू फिल्म ने अपने 10वें दिन में 38 करोड़ के कलेक्शन के नंबर को टच किया और इन्हीं कलेक्शन की वजह से गदर टू फिल्म ने बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए नए रिकॉर्ड खड़े कर दिए, क्योंकि गदर टू फिल्म ने अपने सेकंड वीक के शनिवार को 31 करोड़ का कलेक्शन करके पीके बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और वहीं गदर टू फिल्म के सेकंड संडे के कलेक्शन ने दंगल जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और यही नहीं गदर टू फिल्म ने बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि बाहुबली 2 ने अपने सेकंड संडे पर 34 करोड़ का कलेक्शन किया था केवल हिंदी में। वहीं गदर टू फिल्म ने बाहुबली के सेकंड संडे का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इसी तरह गदर टू फिल्म लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। गदर टू फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर थिएटर में आ रहे हैं गदर टू फिल्म देखने के लिए और उज्जैन में एक भाई ने अपने पूरे गाँव के लिए गदर टू फिल्म की टिकट खरीद डाली। कौन है? उज्जैन के गाँव में एक बंदे ने 40 ट्रैक्टर भरकर पूरे गाँव को गदर टू फिल्म देखने के लिए थिएटर में भेज दिया, क्योंकि उनके पिताजी सनी देओल के सबसे बड़े फैन में से एक थे और उन्होंने गदर के फर्स्ट पार्ट को 45 बार थिएटर में जाकर देखा था और उन्हें गदर सेठ के नाम से भी जाना जाता था। तो इन क्रेजों की वजह से ही गदर टू फिल्म ने केवल 10 दिनों के अंदर ही पीके बाहुबली और दंगल जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और वहीं बात करें अगर हम OMG 2 के कलेक्शन की तो OMG 2 ने अपने फर्स्ट डे में 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया और वहीं OMG 2 फिल्म ने अपने दूसरे दिन में 15 करोड़ और तीसरे दिन में 17.5 करोड़ का कलेक्शन किया और OMG 2 ने अपने चौथे दिन में 12 करोड़ और पांचवें दिन में 17 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और फिर OMG 2 ने अपने 6वें दिन में 7 करोड़ और 7वें दिन में 5.5 करोड़ का ही कलेक्शन किया। तो इस तरह OMG 2 फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में 85 करोड़ का बिजनेस किया और OMG 2 फिल्म ने अपने 8वें दिन में 6 करोड़ और 9वें दिन में 10.5 करोड़ का बिजनेस किया और OMG 2 फिल्म ने अपने 10वें दिन में 12.6 करोड़ का कलेक्शन किया। तो इस तरह OMG 2 फिल्म ने अपने 10 दिनों में टोटल 113 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वहीं गदर 2 फिल्म ने अपने 10 दिनों में 375 करोड़ का कलेक्शन किया और इसी के साथ में गदर 2 फिल्म ने बहुत सारी फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ डाले और नए नए रिकॉर्ड खड़े कर दिए गदर 2 फिल्म ने। और इसी क्रेज को देखते हुए सनी पाजी ने फैसला लिया है कि वो बहुत ही जल्द दूसरी फिल्म लाने वाले हैं, लेकिन उनकी वो कौन सी फिल्म होगी, बॉर्डर 2 या फिर मां तुझे सलाम 2, ये देखना पड़ेगा। और इसी गदर 2 के क्रेजी माहौल को देखते हुए सनी पाजी बहुत ही जल्द हमारे सामने दूसरी फिल्म लेकर प्रेजेंट होंगे। तो क्या लगता है आपको कि सनी देओल को सबसे पहले कौन सी फिल्म लेकर आनी चाहिए, मां तुझे सलाम 2 या फिर बॉर्डर 2? आपकी जो भी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आजकल गदर 2 का तूफान चल रहा है और इसी तूफान के कारण मेरे घर की दीवार गिर गई 284.63 करोड़ का कुल